गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सन 1950 में आज ही के दिन संविधान में अंतर्निहित मूल्यों एवं आदर्शों को अपनाकर हमारे नीति निर्माताओं ने न्याय, भाईचारे और समतायुक्त समाज का राष्ट्रीय संकल्प लिया था। 7 दशक का लंबा विजय अभियान हमारी समष्टिमूलक विचारधारा, एकता, कर्मठता और गतिशीलता का जीवंत उदाहरण है। आज भारतवर्ष विश्व पटल पर नए आत्मविश्वास, नई ऊर्जा के साथ खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है और हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरे। आज का दिन उन किसानों को नमन करने का दिन है जिन्होंने अपनी मेहनत और पसीने से हमारे देश और जम्मू कश्मीर में अन्न का भंडार भरा है। आज का दिन गणतंत्र को नई शक्ति देने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, आदिवासी भाई बहन, साहित्यकार, कलाकारों, व्यवसायियों, श्रमिकों, सफाई कर्मियों, युवाओं और बहनों को नमन करने का भी दिन है। आज के पावन अवसर पर मैं लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को नमन करता हूँ जिन्होंने लहू से इस मिट्टी को सींचा है। मैं जनरल जोरावर सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जैसे राष्ट्र नायकों के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होंने मातृभूमि की अखंडता की रक्षा में अपने प्राणों की एक एक सांस कुर्बान कर दी। आज़ादी का अमृत कालखंड उनके सपनों एवं संकल्पों को साकार करते हुए जम्मू कश्मीर को सफलता की नई ऊंचाई पर ले जाने का अवसर है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, सबसे पहले पुलिस मेमोरियल गया, फिर बलिदान स्तंभ गया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों के बहादुर जवानों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश की संप्रभुता और जम्मू कश्मीर की रक्षा में सहर्ष प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं जानता हूँ कि इन बलिदानियों के बलिदान का कोई मोल नहीं है, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरा हिंदुस्तान इन बलिदानियों और उनके परिजनों के साथ खड़ा है। आतंक और भुखमरी का पर्याय बन चुके पड़ोसी मुल्क के इशारों पर जो लोग भी मानवता की बर्बर हत्या में शामिल हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि खून की एक एक बूंद और आंसुओं के हर एक कतरे का हिसाब हमारे पुलिस बल और सुरक्षा बलों के जवान निश्चित रूप से आने वाले समय में लेंगे। 73rd Republic Day Parade here at Maulana Azad Stadium, Jammu. मुख्य अतिथि की ओर से परेड के विहंगावलोकन का ऐतिहासिक महत्व है। जब फौजी टुकड़ियां जंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार होती थीं, तो ठीक इसी प्रकार उनका निरीक्षण किया जाता था। उनकी कॉम्बैट रेडीनेस को फाइनल जायजा लिया जाता था। सैनिकों में भी इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मसम्मान की भावना बढ़ती है और उनके हौसले बुलंद होते हैं। देवियों सज्जनों, माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग IIT बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए 1982 यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के नेता रहे, लोकसभा के लिए 1996-1999 में चुने गए, 2014 में राज्यसभा के संसद सदस्य बने, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे 2014-2016 में, 7 अगस्त 2020 से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा जी। सपना है डिजिटल व उन्नत जम्मू कश्मीर। माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी।
कृपया ये M-117-1V हेलीकॉप्टर पायलट विंग कमांडर इरफान जरियाल को पायलट परेड कमांडर कर्नल प्रशांत प्रताप सिंह का निमंत्रण स्वीकार करने के उपरांत हमारे मुख्य अतिथि माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी निरीक्षण वाहन में सवार होकर के